नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा कि इंडिया गठबंधन का संयोजक वो नहीं बनना चाहते। उनके इस बयान के बाद आरजेडी और जेडीयू के राजनीतिक गलियारों में उनके बयान का मकसद निकालने की कोशिश की जा रही है। दरअसल पिछले दिनों आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव ने इंडिया गठबंधन के कई कन्वेनर बनाए जाने की बात कहकर राजनीतिक हलचल बढ़ा दी थी। दो दिन के अंतराल में ही आप देखिए कि लालू यादव ने यह कहकर कि प्रदेश की जनता तेजस्वी को सीएम के रूप में देखना चाहती है और सनसनी बढ़ा दी। लालू के इन दोनों बयानों को नीतीश कुमार पर अप्रत्यक्ष हमला माना गया। उस दिन से ही राजनीतिक गलियारों में नीतीश कुमार के बयान का इंतजार किया जा रहा था। और फिर नीतीश कुमार राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, उनकी बातों को डिकोड करना इतना आसान नहीं और इसके लिए उनकी राजनीतिक यात्रा को समझना भी जरूरी हो जाता है। इसलिए आज के बयान का मतलब समझने के लिए उनके कुछ पुराने बयानों पर गौर करना चाहिए। नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक जीवन में जो कहा वो कभी किया नहीं और जो किया उसे कभी कहा नहीं। बिहार विधानसभा चुनावों के बाद अब जेडीयू की कम सीटें आई तो नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें सीएम नहीं बनना, फिर बाद में सीएम बन गए। विधानसभा चुनावों के दौरान ही कहा था कि ये उनका अंतिम चुनाव है, पर इंडिया गठबंधन की तैयारी ये बताती है कि अभी उन्हें बहुत राजनीति करनी है। 2014 के लोकसभा चुनाव में हारने पर जीतन राम मांझी को सीएम बना दिए और 6 महीने में ही फिर दोबारा सीएम बन गए। इसलिए नीतीश कुमार के आज के बयान को समझना इतना आसान नहीं है। उनके इस बयान के पीछे कोई मजबूरी है या उनकी सोची समझी रणनीति है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या नीतीश कुमार का ये दाव लालू यादव पर दबाव बनाने के लिए है? ये पहला सवाल उठता है कि मुझे कन्वेनर नहीं बनना, ये बोलकर नीतीश कुमार ने लालू को जवाब दे दिया। मतलब सीधा है कि कन्वेनर नहीं बनूंगा तो सीएम बना रहूंगा और अगर नीतीश सीएम बने रहेंगे तो तेजस्वी को सीएम बनने का मौका नहीं मिलने वाला है। तेजस्वी अब 2025 के बाद ही सोचेंगे सीएम बनने की बात। दरअसल लालू यादव ने जिस तरह पिछले दिनों पब्लिकली नीतीश कुमार को अच्छा ना लगने वाला बयान दिया, ये उसका काउंटर है। लालू यादव ने पिछले दिनों बोल दिया था कि बिहार की जनता चाहती है कि तेजस्वी सीएम बने और अब ऐसे में नीतीश का ये बयान आया है। जाहिर है राजनीति में नीतीश कुमार अपने जीवन भर की कमाई तेजस्वी के लिए यूं ही कुर्बान करने वाले नहीं है। बिहार को लेकर बीजेपी की महत्वाकांक्षा नहीं बढ़ती तो किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ नहीं आते। सीएम को नजदीक से जानने वाले ये अच्छी तरह जानते हैं कि लालू यादव उनके दोस्त से ज्यादा प्रतिस्पर्धी रहे। निश्चित ही नीतीश के खुद को संयोजक ना बनने वाले बयान से लालू के माथे पर तनाव के निशान आ गए होंगे। नीतीश ने ये बात कहते हुए कहीं से भी ये नहीं बताया कि लालू सही बोल रहे थे। नीतीश कुमार ने कहा कि मेरी इच्छा बस सबको साथ लाने की है। उनके कहने के अंदाज में एक तल्खी भी नजर आ रही थी। हालांकि तेजस्वी के साथ होने के चलते वो गुब्बार ठीक से निकाल नहीं सके। सोची समझी रणनीति कहा जाता है कि जेडीयू और आरजेडी के बीच महागठबंधन बनने के समय एक डील हुई थी जो 4 महीने के लिए थी। अब वो समय बीत चुका है, इसलिए दोनों खेल रहे हैं। आरजेडी की पूरी रणनीति है कि लोकसभा चुनाव तक जेडीयू का साथ नहीं छोड़ना है और आरजेडी का अभी लोकसभा कोई सदस्य नहीं है। लालू को पता है कि इस बार भी अगर अकेले ही चुनाव लड़ते हैं तो लोकसभा सीट मुश्किल ही है। अगर नीतीश कुमार के साथ रह गए तो कम से कम कुछ सीट तो मिल ही जाएगा। इसी तरह नीतीश भी यही सोच रहे हैं कि अभी नीतीश के पास लोकसभा में कुल 16 सीट है। जाहिर है कि जेडीयू इससे ज्यादा ही मांग करेगी, कम से कम 20 या 22 तो तय है। इस कारण नीतीश कन्वेनर बनने की जिद छोड़ सकते हैं कुछ समय के लिए। नीतीश जानते हैं कि लोकसभा में अगर अधिक सीटें रहती हैं तो बाद में खेला कर लेंगे। आरजेडी का एक क्लोज अलायंस है, दोनों एक ही जुबान बोलते हैं। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस का काउंटर अलायंस भी बन रहा है। इसमें आम आदमी पार्टी और टीएमसी के अलावा बाकी पार्टियां हैं। आम आदमी पार्टी बिहार और छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने की जो बात कर रही है वो उसी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। कांग्रेस 2 राज्यों में कम से कम विक्ट्री स्मेल कर रही है, इसलिए उनके नेताओं की बात करने का अंदाज बदल गया है। कहा जा रहा है कि अब कांग्रेस चाहती है कि संयोजक उसकी पार्टी का ही बने। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस ने इसके लिए 2 लोगों का नाम फाइनल भी कर लिया और चूंकि कांग्रेस और आरजेडी किसी भी मुद्दे पर साथ रहने वाले हैं इसलिए नीतीश चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। शायद इसी के चलते खुद को कन्वेनर के लिए ड्रॉप करना उनकी सोची समझी रणनीति हो सकती है। अब सवाल है कि क्या नीतीश कुमार के लिए कोई और रास्ता नहीं बचा? तो नीतीश कुमार के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति जो है वो उत्पन्न हो गई है। वो जानते हैं कि लालू यादव ने पिछले दिनों जो बयान दिए वो बिल्कुल सही है। लालू यादव कभी भी नीतीश कुमार को अपने से ऊपर कद वाला नेता बनते हुए देखना या बनाना नहीं पसंद करेंगे। दूसरे तेजस्वी को प्रदेश के सीएम के रूप में स्थापित करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लालू यादव ने नीतीश कुमार को आगे करके उस स्थिति में पहुंचा दिया है जहां से अब नीतीश कुमार के लिए लौटना संभव नहीं। दरअसल बीजेपी अब उन्हें भाव नहीं दे रही। पार्टी ने क्लियर सिग्नल दे दिया है कि फिर से एका संभावना नहीं है।
दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार मजबूत हो रही है, इसके चलते इंडिया गठबंधन में वो खुद को जिस रोल में देख रहे थे वो मिलना अब मुश्किल लग रहा है। इस तरह उनके सामने ना आगे चलने की स्थिति है ना पीछे लौटने की, ऐसी स्थिति में यथा स्थिति जो है उनकी वो बनाए रखना ही बेहतर होगा। नीतीश कुमार को शायद कुछ दिन और अब इसी रास्ते पर चलना होगा। नीतीश को पता है कि अगर एनडीए की सीटें 2024 के चुनाव से बहुमत से कम होती है तो खेला जरूर होगा। ऐसी दशा में सबसे ज्यादा सीट वाली पार्टी की ओर पीएम बनने की मांग की जाएगी। नीतीश राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं। बिहार में जेडीयू कम सीटें होने के बाद भी बीजेपी ने उन्हें सीएम बनाया था, उसी तरह आरजेडी के पास भी जेडीयू से ज्यादा सीटें हैं, फिर भी नीतीश कुमार ही सीएम बने हुए हैं। नीतीश कुमार की यही कला उन्हें अपने समकालीन नेताओं से ऊपर कर देती है। उन्होंने अपनी छवि ऐसी बना ली है कि सामने वाले को उनको आगे रखना मजबूरी है। नीतीश कुमार जानते हैं कि अगर कांग्रेस को सबसे अधिक सीट मिली तो राहुल गांधी को पीएम बनाने की पार्टी की और डिमांड होगी, जिसे इंडिया गठबंधन के कई दल नहीं चाहेंगे। और ऐसे लोगों में सबसे पहला नाम जो है वो टीएमसी का ही सामने आता है। ममता बनर्जी सबसे आगे रहेंगे ऐसे में। ऐसी दशा में नीतीश कुमार अपने आप को पीएम के लिए आगे कर देंगे, ये तय है कि नीतीश कुमार के लिए बाकी सभी दल तैयार हो जाएंगे। नीतीश की पार्टी ने इसके लिए बैटिंग भी शुरू कर दी है। अभी हाल ही में जेडीयू के दो विधायकों ने नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट घोषित करने की बात कही थी। इसी बीच जेडीयू लीडर केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और राहुल गांधी, शरद पवार सभी में पीएम बनने की सारी योग्यताएं हैं, पर अभी हमारे लिए पीएम पद का संयोजक पद महत्वपूर्ण है। हमारे लिए अगला चुनाव महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार में पीएम और संयोजक बनने के सभी गुण हैं। ऐसे में अब सबकी नजरें मुंबई बैठक पर है। सबकी निगाहें उस बैठक पर टिकी है कि आखिर इंडिया का संयोजक कौन होता है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में जब बैठक होती है तो उसके बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है। आप देख रहे थे संयम श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बने रहे तमाम खबरों के लिए बिहार तक के साथ।